हेलो एवरीवन, कैसा कहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड विदाउट कैलकुलेशन भी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली फील कराता हूँ कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी सॉल्वेंट को अगर एक क्लोज कंटेनर में रखोगे, राइट, ये प्रैक्टिकली भी आप फील कर सकते हो, तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो उसके सॉल्वेंट के होंगे वो वेपराइज होकर करके यहाँ पे खाली स्पेस में रहेंगे, राइट। तो उसी को बोलते हैं पी नॉट ए, डैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है और कुछ भी नहीं रखा है, तो जो भी इसका प्रेशर होगा उसको बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और नॉट से हम दिखाएंगे, राइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। इस बात का ध्यान रखना है, ये इसके मास पे या मोल पे या इस सब पे कुछ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे 1 लीटर लो 10 लीटर लो, फिक्स है ये पी नॉट ए, राइट, सॉल्वेंट का। इसीलिए मैं इसको कैसे ट्रीट करता हूँ, इट्स लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट, तो वैसा ही केस है ये। वैसे ही एक ऐसा सॉल्यूट जो वोलाटाइल हो उसको भी एक क्लोज कंटेनर में रखोगे तो खाली स्पेस में उसके कुछ प्रेशर होंगे जिसको बोलेंगे पी नॉट बी। चूँकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है इसलिए नॉट लगा रहा हूँ मैं, तो पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, राइट। अगेन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होंगे, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ इसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये दोनों पार्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि किसी कंटेनर में सिर्फ सॉल्यूट या सॉल्वेंट आप लोगे तो जो भी उसके वजह से प्रेशर होगा वो नॉट से लिखा जाएगा, डैट मीन्स प्योर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए। तो ध्यान से देखो, ब्लैक कलर वाले मेरे सॉल्वेंट थे, रेड कलर वाले सॉल्यूट थे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ भी होंगे, कुछ सॉल्यूट के भी मोल वेपराइज होंगे, कुछ सॉल्वेंट के भी होंगे। तो यहीं पे समझना है सारे नोटेशन को। अगर मैं सिर्फ पी ए लिख रहा हूँ, ध्यान दो, नॉट नहीं लगाया, तो फिर पी ए लिखा तो वेपर प्रेशर ए का हो गया इन सॉल्यूशन में, डैट मीन्स यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अब खाली स्पेस में कौन कौन होंगे, ए के भी कुछ वेपर होंगे और बी के भी कुछ वेपर होंगे, तो ए का सिर्फ कितना होगा तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, और चूंकि नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि बी भी है यहाँ पे, तो ये प्योर नहीं है, तो इसलिए सॉल्यूशन की बात हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। वैसे ही पी भी वेपर प्रेशर भी इन सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कहीं पे भी एक्स, ध्यान रहे, अगर कहीं पे भी एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो मोल फ्रैक्शन है, बट किस में, लिक्विड फेज में, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक्स से लिखा एक्स भी, तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का किस में, लिक्विड फेज में, मतलब लिक्विड में उसके मोल्स कितना है डिवाइडेड बाय लिक्विड में टोटल मोल्स, राइट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ऐड कर देना है। तो ये ध्यान रहे, एक्स से हम लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को बताते हैं, जबकि वाई जहाँ पे भी लिखा होगा तो वो मोल फ्रैक्शन किस में बताते हैं, गैस के। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पे, इसलिए हमने वाई ए और वाई बी ध्यान से देखो इधर वाले में लिखा, डैट मीन्स वाई ए कैसे डिफाइंड हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए गैस में, गैस में मोल्स ए का कितना डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डैट मीन्स ए और बी का गैस में कितना मोल्स है। तो इसलिए ध्यान रहे, एक्स से ऑलवेज लिक्विड में बताते हैं, वाई से ऑलवेज गैस में बताते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल फीलिंग की बात है, सारे नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ए से मैं सॉल्वेंट को ले रहा हूँ, बी से सॉल्यूट को ले रहा हूँ, राइट। कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो कंडीशन क्या है कि सॉल्वेंट भी मेरा लिक्विड है और सॉल्यूट भी अगर लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, राइट। तो सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया था, सॉल्यूट को बी से, फिजिकल स्टेट दोनों का लिक्विड लिक्विड हो गया, राइट। नेचर कैसा रहेगा, दोनों वोलाटाइल हम ले रहे हैं। अभी जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे उसमें सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल कर देंगे, राइट, डैट मीन्स वो सॉलिड ऐड करेंगे। तो अभी तो मैं दोनों को वोलाटाइल ले रहा हूँ तो बात कर रहे हैं, राइट। प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए पी नॉट बी, जो भी बात किया, जब कुछ नहीं ऐड करोगे तो मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज में तो उसके मोल्स लिक्विड में बाय टोटल मोल्स, और इसका एक्स भी तो उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स हो जाएंगे, और गैस में बात करेंगे तो वाई ए करना पड़ेगा, राइट। तो ये सभी जानते हैं। नाउ रॉल्ट्स लॉ, राइट। तो इसका क्या कहना था कि किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा किसमें, सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली पोर्शन होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, राइट। तो ये कोई नया चीज़ उसने नहीं कहा, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली हम फील कर सकते हैं कि प्रेशर ए का, डैट मीन्स यहाँ पे, राइट, खाली स्पेस में उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा यहाँ पे मोल्स होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके नंबर होंगे उतना ज़्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी होगी। तो ये कोई नया चीज़ उसने नहीं कहा, राइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने एक कॉन्स्टेंट ऐड किया, डैट इज पी नॉट ए, वही प्योर वेपर प्रेशर है, इट्स लाइक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की तरह, इसलिए मैंने बोला इसको एक कॉन्स्टेंट की
थोड़ा ट्रीट करो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा। इसलिए प्रेशर ए का गैस फेज में कितना हो जाएगा, पी नॉट ए, एक कांस्टेंट जो दे दिया जाएगा, डेट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में, ध्यान रहे लिक्विड फेज में। तो रॉल्स लॉ को इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लिक्विड में आपको रिलेशन दिया था, राइट। वैसे ही पी वी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, चूँकि टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, पी टी, या उसी को पी या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सब एक ही बात है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे, पी ए पी बी, राइट। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। तो ये वेरी सिंपल है। एक दूसरे हैं डाल्टन्स लॉ, तो इन्होंने गैस में रिलेशन दिया और इनके अकॉर्डिंग गैस में कितना वेपर प्रेशर होगा किसी का भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, गैस फेज मोल फ्रैक्शन के। बिल्कुल इसी टाइप का था ये, रॉल्स ने लिक्विड में बताया, लिक्विड से रिलेट किया, और डाल्टन्स ने गैस से रिलेट किया। तो वही बात है कि प्रेशर ए का गैस फेज में कितना होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे गैस फेज में उसके कितने ज़्यादा मोल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इसलिए उसको ये करेंगे तो हटाएंगे तो यहाँ पे उसने टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे लिया। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए का, लेकिन ध्यान रहे किस में, गैस फेज में, इनटू टोटल प्रेशर, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स है और ये दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। नाउ ध्यान से देखो, तो ये जो पी ए पी ए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये दोनों तो सेम ही बात है, राइट। क्यों, क्योंकि गैस फेज में ए का वेपर प्रेशर है, तो पी ए को मैं एक बार लिख सकता हूँ पी नॉट ए एक्स है, और एक बार लिख सकता हूँ वाई इंटू पी टी, तो दोनों इक्वल कर दूंगा। तो मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में अगर निकालना हो, ध्यान दे मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में, तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर हो जाएंगे। प्रेशर ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स है, टोटल प्रेशर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये सब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बच्चे रटते हैं, आपको क्लियर है, राइट। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि वो जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस फेज में पूछ रहा है या फिर लिक्विड फेज में पूछ रहा है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और वी ऑलरेडी नो कि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। नाउ ग्राफ की बात करते हैं, तो वेरी सिंपल है, यू नो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए था, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ वाई एक्सिस पर, अगर मैं इसको लेता हूँ, तो ये सम कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन एक्स, यहाँ पे ये हो गया, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, राइट। तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं इधर से अगर स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स ए को जीरो बोला है, तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो इस साइड में एक्स ए इंक्रीज हो रहा है, इधर एक्स भी जीरो है, यहाँ पे एक्स भी 1 हुआ है, मतलब इधर की तरफ बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, इधर की तरफ ए के, एक ही कर्व पे दोनों को लिया है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर को, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पी ए का ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे एक्स ए जीरो है तो कोई प्रेशर नहीं होगा, और धीरे धीरे यहाँ पे एक्स ए 1 है, मतलब प्योर हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। वैसे ही अगर मैं पी बी की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्स बी जीरो है तो जीरो रहेगा, और धीरे 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 यहाँ पे एक्स बी 1 हो गया, एक्स ए है ही नहीं, तो ये प्योर हो गया, तो ये पी नॉट बी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए ज़्यादा वोलाटाइल है बी से, राइट, पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, तो इस टाइप का आएगा। अगर मान लो पी नॉट बी ज़्यादा वोलाटाइल होता, तो ये ऊपर होता, ये नीचे होता, ओनली यही डिफरेंस होते। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ये ध्यान दे, ये वाला जो ग्राफ है वो पी ए का है, ये वाला जो ग्राफ है वो पी बी का, और यहाँ से यहाँ जब आप मिला दोगे, तो ये टोटल प्रेशर पी का है, जो आप जानते हो पी टी या पी या पी एस, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चूँकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो इसको कन्वर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन है, एक ही है एक्स बी, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन है, एक्स ए, राइट। तो इस टाइप से भी दे सकते हैं, और इस पर भी इस प्रॉब्लम कैसे आते हैं, लिख देगा कि जो प्रेशर पी है वो 2 प्लस 3 एक्स ए है, तो जस्ट कंपेयर करना आपको, इसका मतलब पी नॉट बी 2 हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी 3 हो गया, एक्स ए से कंपेयर करके, या फिर एक बार एक्स ए को जीरो कर दो, तो एक्स ए जीरो कर दिए तो सिर्फ एक्स बी हो गया, मतलब ये जो पी टू के बराबर हो गया वो पी नॉट बी है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखने के लिए रफी सर ने सिंपल सा ट्रिक दिया, ध्यान से देखो, ए बी आ रहा है, तो ए बी से याद रखेंगे, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, कभी याद रखना हो तो। और इसमें कैसा है कि अगर बी को पहले करोगे तो बी ए, प्रोसीजर सेम रहेंगे, वैसा ही है, दिस प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेंगे इनटू ये, तो कैसे बी ए, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये ग्राफ का ध्यान रखना है, राइट। नाउ ट्रिक्स जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
मैं यहीं से पता लगाया कि ध्यान से देखो, मेरा जो भी आंसर आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वो पी नॉट बी से ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि यही वो पॉइंट सब है, और पी नॉट ए से कम होगा। तो हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इन दोनों नंबर के बीच में होगा, राइट। इसलिए आंसर का रेंज हमें क्लियर है, हमें ऑप्शन गिवन होगा। उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे बोला आपको कि जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको इस कॉर्नर पे लिख लो, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको उस कॉर्नर पे लिख लो वेपर प्रेशर का, जिसको मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि पी नॉट बी टी है और पी नॉट ए जेड है, जहाँ पे टी से बड़ा है जेड, राइट। वैसे ही मोल्स ऑफ बी को मैं एक्स मान रहा हूँ और मोल्स ऑफ ए को वाई, डेफिनेटली ये कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो अब अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो उसमें कंडीशन लिया है, अगर दोनों के मोल सेम है या दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आ जाएगा, एवरेज कर देना है दोनों नंबर का, डैट मीन्स जेड प्लस टी बाई टू कर देना, डैट इज पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई टू, मिड पॉइंट आ जाएगा अगर दोनों का मोल सेम है तो। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा सर, तो आप ध्यान दें, अगर मोल्स ए का ज़्यादा है तो जिसका ज़्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा, अगर यहाँ पे मैंने माना ए का ज़्यादा है तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ शिफ्टेड होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बी ज़्यादा होता, ध्यान दो, बी अगर ज़्यादा होता तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ शिफ्टेड होता, और जितना ज़्यादा होता बी उतना शिफ्टेड होता। तो ये है ट्रिक का पॉइंट। तो वही हमने लिखा कि अगर एन ए ग्रेटर देन एन बी है तो जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, डैट इज टोटल प्रेशर, वो शिफ्टेड होगा टुवार्ड्स ए की तरफ फ्रॉम मिड पॉइंट, राइट। अगेन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, उसके लिए भी रफी सर के पास ट्रिक है। कैसे निकालना है कि आपको जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, डैट इज टोटल वेपर प्रेशर, वो मिड पॉइंट, राइट, ये आप निकाल लेंगे दोनों का एवरेज लेकर के। प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा मिड पॉइंट से अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस, मिड पॉइंट से पीछे आ रहे हैं तो माइनस, क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जेड माइनस ए मतलब मिड पॉइंट जो है, राइट, अगर इधर की तरफ जा रहे हैं, अभी इस केस में इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जेड में से एम मतलब ये डिस्टेंस को आपको माइनस करना है, ये डिस्टेंस कितना वो लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे में एक्स और वाई, ये मोल्स वाले, इनको सम कर देना, इनटू में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वाई माइनस एक्स, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देना, तो टेंशन नहीं लेना, ये ट्रिक का पॉइंट है। अगर सपोज करो इधर की तरफ होता तो क्या होता, ये चीज़ यही रहती, यहाँ माइनस रहता, बाकी चीज़ें सेम रहती, जेड माइनस एम की जगह क्या करना पड़ता, एम माइनस जेड। क्वेश्चन नंबर वन में एक्स का वेट गिवन था 0.6 ग्राम, वाई का 0.45 ग्राम, इनको मिक्स किया गया, मॉलिकुलर वेट भी गिवन था, तो टोटल प्रेशर आया है 740 एमएम है जी, तो पार्शियल प्रेशर एक्स का बताना है। तो वेरी सिंपल, मोल्स ऑफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा कितना 0.03, मोल्स ऑफ वाई कितना जाएगा 0.01, राइट। पार्शियल प्रेशर एक्स का क्या होगा आपको मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू टोटल प्रेशर, राइट। मोल फ्रैक्शन एक्स का कैसे निकालेंगे, उसके मोल्स 0.03 बाय टोटल मोल्स 0.04 इंटू टोटल प्रेशर 740, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 टाइम्स है। आप अगर इसको कट करोगे तो 4 से कितने टाइम में जाएगा, ध्यान से देखो, 4 1 4 3 34 4 8 4 5, राइट, तो 185 3 द कितना हो जाएगा 555, तो आंसर विल बी 555। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में ये वर्ड में था, जस्ट मैं क्या क्या गिवन था उसको लिखाऊं। टोटल प्रेशर 350 है जब मोल फ्रैक्शन ए का 0.7 है और बी का 0.3 है, फिर टोटल प्रेशर 450 आया जब मोल फ्रैक्शन ए का 0.2 और बी का 0.8 है, तो पी नॉट ए बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि आप कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर पी कैसे था, अगर मैं पी नॉट ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी माइनस ए, राइट, ए बी और ए बी, इस टाइप से इसको यूज कर लेंगे, राइट। 350 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, एक्स बी कितना था 0.3, तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा 450 इज इक्वल टू अगेन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.8, तो ये 2 हो गया। 2 माइनस 1 करोगे तो 450 माइनस 350 कितना आ जाएगा आपको 100, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टाइम्स ऑफ 0.5, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा आपको पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए जो आ जाएगा वो 200, तो किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे 200 इंटू 0.3 कितना हो गया 60, तो राइट, तो यहाँ से पी नॉट ए कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये उधर चले जाएंगे तो 350 माइनस 60 डेट इज 290, तो आंसर विल बी 290, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री में टोटल प्रेशर आपको गिवन था 0.88 एम, मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में 0.5 और ए का ही लिक्विड फेज में 0.5, तो पी नॉट ए। तो विनो की अगर इसकी बात करें तो विनो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी होगा, और इसी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर भी, दोनों इक्वल हो जाएंगे राइट। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल कर दो, तो वाई ए इंटू पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सब गिवन है हमें, तो हमें क्या करना है, आपको पी नॉट ए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए ध्यान से देखो, वाई ए, वाई ए आपको गिवन था 0.5, पी टी टोटल कितना 0.8 बाई एक्स ए, एक्स ए कितना 0.2। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 5 2, तो इसलिए पी नॉट ए आपका कितना आ जाएगा 2 ATM। इंटीजर टाइप में स्टेप्स आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में पी नॉट ए 50 है, पी नॉट बी 100 है, मोल फ्रैक्शन ए का 0.3, तो टोटल प्रेशर राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ट्रिक्स आपको बताया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ए का 50 है, बी का 100 है राइट, ये ए हो गया ये बी, ए का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है डेट इज 0.3, तो बी का कितना हो जाएगा 0.7 राइट। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होता तो हमारा प्रेशर कहाँ पर आ जाता, इन दोनों का एवरेज डेट इज 100 प्लस 50 का एवरेज कितना हो जाता 75। तो डेफिनेटली चूंकि ये ज़्यादा है तो इससे इधर की तरफ शिफ्टेड होंगे, तो हमारा आंसर 75 से ज़्यादा होगा, तो ये दो ऑप्शन गए, इन दोनों में से कोई होंगे राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, उसको भी कैसे करना है तो आपको बताया, मिड पॉइंट डेट इज 75, उससे आगे है तो प्लस, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 0.7 और 0.3, तो 1 हो गया, और इनटू में इनका डिफरेंस तो कितना हो गया 0.4। तो ध्यान से देखो 75 प्लस ये 25 इंटू 0.4, तो कितना गया ये 85, सो आंसर विल बी सी राइट। इसी क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, तो आपको मालूम ही है कि टोटल प्रेशर निकालना है, पी नॉट ए 50 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.3, पी नॉट बी 100 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.7। आप ऐसे भी करोगे वही आएगा, ध्यान से देखो 53 था 15 और ये 70, तो कितना गया ये 85। तो ये है रफ़ी सर का ट्रिक, आप ऐसे कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फाइव में इस टाइप से गिवन है प्रेशर, पी नॉट ए पी नॉट भी बताना है, तो आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू, चूँकि एक्स भी गिवन है तो मैं कैसे लिखूँगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब इनसे कंपेयर कर लो, तो यहाँ से दिख रहा है कि पी नॉट ए कितना लेना पड़ेगा हमें 5 राइट, कंपेयर करेंगे तो। और ध्यान रहे कि इसको आप और कैसे लिख सकते हो, तो 5 प्लस ऑफ माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, डैट मीन्स पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए किसके बराबर है, माइनस 3 के, क्योंकि पी नॉट ए मालूम है आपको 5 राइट। तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा उधर जाएगा, तो 5 माइनस 3 डैट इज पी नॉट बी कितना हो गया 2। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए आपको, क्वेश्चन को कैसे क्विकली करना है वो भी समझा दिया। अब आप सारे PYQ को लगा लीजिए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम बात करेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि इसी से कनेक्टेड है और ईजी है। थैंक यू।